अभी हमारे साथ झारखंड के कोटी लोकसभा क्षेत्र से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री करिया मुंडा जी हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार को, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको और उनके मंत्रिमंडल को और सारे सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, क्योंकि उन सभी लोगों ने मिलकर मुझे इस योग्य बनाया पाया। और साथ ही साथ भारत की जनता और झारखंड का, विशेषकर झारखंड की जनता, जिसने अभी तक हमारे साथ जो प्रेम, सहानुभूति और समर्थन दिया है, उनको भी इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप झारखंड के पहले ऐसे शख्स हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, इससे पहले क्यों नहीं किसी को सम्मानित किया गया? हाँ, इसका तो हम जवाब दे सकते नहीं हैं, परंतु ये तो चयनकर्ता पर निर्भर करता है कि चयनकर्ता और सरकार की मंशा पर निर्भर करता है। ये अलग से तो कुछ है नहीं, इसकी वोटिंग तो होती नहीं ना। आप वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, आप इस सरकार में भी सांसद हैं, क्या आपको लग रहा है कि मोदी सरकार में झारखंड के विकास हो पाई है? नहीं, मैंने बताया अभी कि झारखंड में विकास तो हुआ है, रोड बनाया, अच्छा बनाया, कुछ बढ़िया सड़कें, बिजली गांव तक पहुंचा है, बिजली कभी जाती आती है, ठीक है, वो तो बिजली आना जाना लगा ही हुआ है, पुल पुलिया बहुत बना है जहां आवागमन की सुविधा के दृष्टिकोण से, और प्रधानमंत्री आवास योजना भी काफ़ी बना है, उज्ज्वल योजना के अंतर्गत तो बहुत से बांटे गए हैं सिलेंडर, इस तरह से और भी कई चीज़ें हुआ है, परंतु जितना अपेक्षा हम लोग को थी अलग प्रांत बनने के बाद, उतना नहीं हो पाया, इसका मुझे दुख है। देश में बेरोजगारी बढ़ी है, एक नया आंकड़ा आया ये। देखिए, ये तो शिक्षा पद्धति से शुरू जुड़ता है ना, हम सिर्फ आज विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में हम सिर्फ नौकरी करने के लिए पैदा कर रहे हैं, रोजगार के लिए नहीं कर रहे हैं। नतीजा ये कि सब लोगों को नौकरी चाहिए पढ़ने के बाद, अब सब लोगों को नौकरी चाहिए ऐसा संभव भी नहीं है। यदि आरंभ से ही, क्यों कृषि प्रधान देश है, हम रोजगार के साथ शिक्षा को भी जोड़ते होते, तो कुछ लोग उसमें से कुछ अलग अलग अपना बिजनेस करता, कोई फैक्ट्री खोलता, कोई छोटा मोटा और धंधा करता, तो शायद बेरोजगार का आंकड़ा कुछ कम होता, परंतु बेरोजगार तो रहेगा, क्योंकि सारी दुनिया में बेरोजगार है, चीन भी है, जापान भी है, अमेरिका भी है, लेकिन इतना भयंकर नहीं होता। यदि हम स्वरोजगार के दृष्टिकोण से कुछ हुनर अगर हम सीखे होते, तो शायद सिर्फ नौकरी की चिंता ना करते हुए अपने जब ज़िंदगी चलानी है तो कुछ हम सोचते, परंतु आज तक तो यही है कि भाई पढ़ो और नौकरी करो, बाकी कोई जानता ही नहीं है। हम लोग का ये इसलिए कि भाई जो हम लोग तरफ के लड़के लोग हैं जो पढ़ते हैं और खेती करने भूल जाते हैं, अगर वो नौकरी में नहीं मिलेगा, खेती भी नहीं करता, भूखे मरेगा। तो ये स्थिति हमारे जो देश में स्थिति, शिक्षा में जो कमी है, इसको इस पर पुनर्विचार होना चाहिए कि शिक्षित लोग को बेरोजगार, रोजगार मिला नौकरी पैसा का तो ठीक है, नहीं मिला तो भी बेरोजगार ना रहे और अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ धंधा कर सके, ऐसा कुछ सोचना चाहिए। आप अपने कोंटी लोकसभा क्षेत्र में कितना विकास किया है अभी तक? जितना संभव हो सका है, हम लोग अपने फंड से और बाकी चीज़ों से भी जितना कर सका हम लोगों ने किया है, परंतु सभी चीज़ें हम लोग अपने से तो करते नहीं, सरकार के साथ मिलकर करते हैं, राज्य सरकार के साथ मिलकर करते हम लोग हैं, अपना फंड इतना तो है नहीं, और इस दृष्टिकोण से जितना हम लोग कोशिश किए हैं, जितना होना चाहिए हम लोग किए हैं, ये ठीक है कि जितना हमने बाल जनरल में कहा है कि जितना शिक्षा का, बाकी चीज़ों का, तो हम मकान बना सकते हैं, अपने फंड से मकान बना सकते हैं, परंतु उसमें जो व्यवस्था होनी चाहिए शिक्षक का, बाकी चीज़ों को, तो सरकार करेगी, इसलिए हम लोग को तो आधा अधूरा बन जाता है ना। इसलिए पूर्ण रूप से हम लोग अपने ढंग से अपने क्षेत्र को विकास करने के दृष्टिकोण से हम लोग कुछ कर नहीं सकते, परंतु हम लोग सरकार की योजनाओं में योगदान देते हैं, और कहीं कहीं ज़रूरत पड़ता है जहाँ लोग मांगते हैं तो हम लोग अपने फंड में से कुछ पैसा देते हैं, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, तो इस तरह से हम लोग कोशिश करते हैं कि क्षेत्र में विकास बढ़े। केंद्र में दोबारा मोदी सरकार बन पाएगी? क्योंकि जिस तरह से देश में महागठबंधन बन रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि बन पाएगा। देखिए, हम लोग तो आशावादी हैं, हम निराशावादी नहीं हैं, सरकार बनेगी ऐसा हम लोग सोचते हैं, परंतु इसको महागठबंधन नहीं कह सकते हैं, इसको बंधन कह सकते हैं, क्योंकि आज तक तो ये गठ ही नहीं बना है, तो बंधन कैसे होगा, चल रहा है, चल रहा है, पता नहीं कितना दिन में बनेगा हम कह नहीं सकते हैं,
हाँ ये जरूर है, गठबंधन होगा थोड़ी और हम लोग को और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, परंतु आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मोदी के प्रति आकर्षण है, जिसको लोग कहते हैं गांव में ख़त्म हो गया, नहीं है, शहरी क्षेत्रों में किसी कारण से कुछ लोग कुछ कारण से थोड़ा नाराज हैं कि सरकार ने हम लोग को ऐसा कर दिया, ये सुविधा ख़त्म कर दिया, वो सुविधा ख़त्म कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया, सारी बातें बोलते रहते हैं, गांव वाले को तो कुछ नहीं हो सब, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में मोदी का आज भी आकर्षण है और ग्रामीण वोट अधिक मिलेगा। 2014 की लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके साथ है, साथ था, लेकिन 2019 की लोकसभा चुनाव में साथ नहीं है, तो क्या आपको नहीं लग रहा है खामियाजा भुगतना पड़ेगा 2019 में? नहीं, हमारे साथ मुक्ति मोर्चा कभी नहीं रहा है, हमारे साथ था आजसू था, यानी झारखंड आदिवासी क्या संगठन है आजसू, तो बाकी तो हमारा मुक्ति मोर्चा से कभी संगठन कभी भी तालमेल नहीं हुआ है चुनाव के दृष्टिकोण से, नहीं उस समय किया था 2009 में किया था, इस बार नहीं, अगर लड़े हैं उनके भी दो MP हैं, उनके 18 होने से MLA हैं, अगर होता तो कुछ कम हो जाता, तो इसलिए हम लोग को तो खूब उन्होंने 14 के चुनाव में तो लोकसभा से लेकर विधानसभा तक उन्होंने खूब गाली दिया। आप 2019 के चुनाव लड़ेंगे? 2019 में पार्टी से टिकट देगी तो लड़ेंगे, पार्टी नहीं ना करेगी भाई, इसको लड़ाना इसको नहीं लड़ाना, वो तो पार्टी तय करती है, हम लोग तो पार्टी के आदमी। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, LiveStage.in के लिए।